डेटा हाइडिंग देख मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, समझ यार, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा पे बात करती है, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट डेटा पर फोकस करता है, करेंट वर्ल्ड डेटा पर फोकस करता है। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो हो रहा है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है डेटा की। आपका पासवर्ड एक डेटा है, आपका एटीएम का पिन नंबर एक डेटा है, और आप सोचो किसी को मिल गया तो, राइट? समझ पा रहे हो? तो डेटा को हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हाइडिंग ऑफ द डेटा, दैट इज द मेन मोटो ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डेटा हाइडिंग का मतलब होता है, देखो आप रियल वर्ल्ड से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखिए जैसे सॉफ्टवेयर के लिए डेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियल वर्ल्ड में भी हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कई जगह आप देखोगे डेटा इंपॉर्टेंट होता है। जब डेटा की को रिप्रेजेंट करने की बात होती है, जैसे अगर डेटा देखो, डेटा मतलब कोई, अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो डेटा मतलब क्या होता है? डेटा मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सिटी, एनी इंडिविजुअल एंटिटी जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेरा नाम, दैट इज व्हाट माय डेटा, दैट इज अ डेटा। मेरी क्वालिफिकेशन, दैट इज अ डेटा। मेरी एज, दैट इज अ डेटा। तभी तो हम बोलते हैं डेटा हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। और रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो डेटा क्या हो सकता है? चॉकलेट के लिए चॉकलेट एक डेटा है, एक कैप्सूल में जो अंदर मटेरियल है वो डेटा है, ठीक है? तो डेटा को हमेशा रियल वर्ल्ड, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है रियल वर्ल्ड में, वो हमेशा हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। आप लोगों ने 50 बार 50 चॉकलेट खाई होगी, ठीक है, लेकिन चॉकलेट को हम जब लेते हैं तो कितनी बार आपने उसके रेपर की एक एक डिटेल को पढ़ा है? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। चॉकलेट इंपॉर्टेंट है और वो हाइडेड है। मैं 50 पैसे की 10 गोली की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो भी मिलती थी पहले, बड़ा मजा आता था बचपन में भी उसको खाने में भी, वो भी अपना एक मजा था कि गए और बिल्कुल डब्बा खोला और उसमें से सीधे ऑरेंज की गोली निकाली और खा ली। आजकल तो वो भी हाइडेड फॉर्म में आती है,